जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की ने परिवार के साथ पहुंचकर एक युवक पर अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण करने और रेप की वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित 12वीं कक्षा की छात्रा है। पीड़ित छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार निवासी एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर बनत निवासी अंकित और उसके साथियों पर अपहरण करने और रेप की वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिजनों ने एएसपी से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जबकि यह मामला बीते कई दिनों से चला आ रहा है। वहीं आरोपी पक्ष के लोग बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए पीड़ित के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए नाबालिग लड़की का अपहरण करने का भी प्रयास कर चुके हैं, जिसमें मौके पर स्थानीय लोगों ने आकर पीड़ितों की जान बचाई। मामले में आरोपियों के अन्य साथियों के डराने धमकाने के बाद आतंक के चलते नाबालिग का घर से निकलना भी बंद करा दिया है। पीड़ित परिवार को पड़ोसियों के कहने सुनने और मदद करने पर पीड़ित ने एसपी ऑफिस पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिर जो है कुछ ले जाकर उसे गाड़ी गुड़ी में ले जाकर स्कूल में जो और ये कहा गया कि लगा जो है अब कोर्ट मैरिज करवा लिया। अभी मुझे सही पता नहीं कोर्ट मैरिज क्या हुआ। मुझे धमकी दी जा रही मेरे बच्चों को मारने की, मुझे मारने की, उसमें कुछ पड़ोसियों का भी हाथ है जी। अच्छा, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? गडरिया है जी। अच्छा, मतलब कहाँ के रहने वाले? वो बनत का है जी, रिश्तेदार उसके मिली मिली गए जी। अच्छा, उनके वो आ रहा जी भाई, इकट्ठे दिखा रहा, मोहल्ले वालों ने भी इकट्ठे देख लिए, कट्टे दिखा रहा ना के कह लगा मैं गोली मार दूँ, मैं लड़की उठा के ले जाऊँगा यहाँ से। इस तरीके से धमकी दे रहा जी, कह लगा मैं बहुत। तुम्हारी बेटी कितनी कौन सी क्लास में पढ़ती है जी? 12वीं पढ़ी जी इसमें। अच्छा, कब की बात है ये? तो मुझे तो धमकी इस बात की आ रही जी, कह लगा तुरे तो कुछ नहीं होने का, कभी एक साल बता दे अबाउट मैरिज को, कभी डेढ़ साल बता दे, कभी डेढ़ महीना बता दे। तो तुम्हारी बेटी नाबालिग है? अभी बालिग है? नाबालिग है जी। तो एक डेढ़ साल पहले तो और भी होगी जी। पुलिस में गई, पुलिस ने क्या कहा जी? एप्लीकेशन दी थी जी। मुकदमा दर्ज होगा जी। ठीक। ये थाना आदर्श मंडी के रेल पार एरिया का मामला है। वहाँ से महिला आई थी, उन्होंने थाना पे तहरीर दी कि एक व्यक्ति जो कि बनत का रहने वाला है वो उनको परेशान करता है फ़ोन पे, घर पे भी आके धमकी दे रखा है। उनके परिवार वालों ने भी इस बात की पुष्टि की। इस आधार पे और जो उनका प्रार्थना पत्र उसको लेते हुए थाना आदर्श मंडी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और थानाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी करें।